लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड को फॉलो करते हुए कई महिलाएं मैट लिपस्टिक को ही लगाना पसंद करती हैं, लेकिन ड्राई होने के कारण मैट लिपस्टिक लगाने से होठों पर सिलवटें पड़ने लगती हैं। मैट लिपस्टिक लगाते समय महिलाएं अक्सर कुछ बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे उनका मेकअप लुक फीका लगने लगता है। तो आइए हम आपको बताते हैं मैट लिपस्टिक लगाने के टिप्स, जिसे फॉलो करके आप आसानी से वेस्ट मेकअप लुक कैरी कर सकती हैं। होठों को करें स्क्रब। मैट लिपस्टिक का स्मूथ बेस तैयार करने के लिए लिपस्टिक लगाने से पहले होठों को अच्छी तरह से स्क्रब कर लें। इससे होठों के डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और मैट लिपस्टिक लगाने के बाद होठों में क्रैक नजर नहीं आएंगे। लिप बाम लगाएं। मैट लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अपने होठों पर लिप बाम जरूर लगाएं। इससे आपके होठ ड्राई नहीं दिखेंगे। साथ ही लिप बाम लगाने के बाद मैट लिपस्टिक अप्लाई करने पर होठों का लुक भी निखर कर सामने आएगा। कई लोग मैट लिपस्टिक लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैट लिपस्टिक लगाने के लिए ब्रश की बजाय ट्यूब का इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है। इससे लिपस्टिक अच्छी तरह से होठों पर लग जाती है। अगर आपकी मैट लिपस्टिक ज्यादा सूख गई है तो आप ब्लो ड्रायर की मदद से लिपस्टिक को पिघला सकते हैं, जिससे आपको लिपस्टिक लगाने से आसानी रहेगी। मैट लिपस्टिक को होठों पर लगाकर आपस में होठों को रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। मैट लिपस्टिक ड्राई होने के कारण होठों पर सिलवटें छोड़ देती हैं। ऐसे में मैट लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू पेपर से होठों पर हल्का प्रेस करें। अब लिपस्टिक को फिर से अप्लाई करें। इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक खराब नहीं होगी और आपका लुक बहुत ही खूबसूरत लगेगा। होप है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।